हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, जैसे ही सर्दियां आ जाती हैं, डेफिनेटली खाने पीने के जो व्यंजन हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। गाजर का हलवा हो या फिर खीर पूड़ी हो या फिर हो मूंग दाल का हलवा, ये सारी की सारी चीज़ें हमारे वजन को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं। लेकिन जो हमारी जीभ है उसकी स्वाद की जो लप-लप है वो ख़त्म भी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं पर हम खाते तो हैं लेकिन बहुत डर होता है कि कहीं इसकी वजह से वजन ना बढ़ जाए। और वो सच भी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैलोरीज का ये बहुत ज्यादा होने वाला इनटेक हमारे शरीर के वजन को बढ़ा देता है। और इसीलिए सदियों से एक कहावत भी चली आ रही है, सर्दियों का सीजन वजन बढ़ाने का सीजन है। और ये वजन उन लोगों के लिए तो ठीक है जो लोग अंडरवेट हैं, लेकिन वो लोग जो कि ओवरवेट हैं या ऑबेस हैं, उनके लिए ये मौसम बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे घर में बनाए जाने वाले एक फैट बर्नर पाउडर के बारे में। इस पाउडर का इस्तेमाल अगर आप इन पूरी सर्दियों में अपने रोज़मर्रा की जो डाइट आप लेते हैं उसके साथ करेंगे, तो डेफिनेटली ये इन सर्दियों में आपके वजन को बढ़ने नहीं देगा और साथ ही साथ आपके शरीर के अंदर जो आपके डर पैदा हो रखा है कि कहीं मेरा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, वो सारा डर भी आपका निकल जाएगा। सो मेक श्योर कि अगर इन सर्दियों में आप बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं और साथ ही साथ अपने वजन को कंट्रोल भी रखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और इस वीडियो में बताया गया जो फॉर्मुलेशन है या जो फॉर्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसे जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं स्किन केयर, हेयर केयर, हेल्थ केयर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और हीलिंग से जुड़े टॉपिक्स के बारे में। इस चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो पर आपका बहुत सारा प्यार आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, फैट एक ऐसी समस्या है जो कि आज हर दूसरे इंडियन को परेशान कर रही है, और उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल। जैसे ही सर्दियां आती हैं ये लाइफस्टाइल और भी ज़्यादा बदतर हो जाती है। देर तक सोना, लेट नाइट तक जागना, कंबल में छुप छुप करके गाजर के हलवा या गजक या फिर मूंगफली का स्वाद लेना, ये कुछ ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से आज हमारा वजन बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। क्या किया जाए? प्रकृति जब समस्याएं देती है तो समाधान उससे पहले देती है। सो हमें इस फैट बर्नर पाउडर को बनाने के लिए पांच चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़, ये हमें चाहिए अलिव सीड्स। अलिव सीड्स को हिंदी में हलीम सीड भी कहा जाता है। हलीम सीड के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर रेटिनॉइक एसिड होता है, और ये रेटिनॉइक एसिड मदद करता है हमारे शरीर के अंदर जो बढ़ा हुआ वजन है उसे कंट्रोल करने के लिए, और साथ ही साथ में हमारे शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है, मतलब खाने से एनर्जी में बदलने की जो स्पीड है, उसको भी हलीम सीड्स बेहतर बनाते हैं। सो लगभग 100 ग्राम के आसपास हमें हलीम सीड्स या फिर अलिव सीड्स की ज़रूरत होने वाली है। नंबर दो जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर चाहिए वो है जायफल। जायफल को नटमैग कहा जाता है इंग्लिश में, और लगभग 5 जायफल हमें यहाँ पर काफ़ी होंगे। सो 5 जायफल को हमें लेकर के उसे अच्छे से कूट लेना है, और कूट करके उसका एक अच्छा पाउडर बना लेना है। ये पाउडर हमारे शरीर के अंदर जा करके शरीर को एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज देता है, जिसकी वजह से जो पुराने जमा टॉक्सिन्स होते हैं, जो पुरानी जमा गंदगी हमारे शरीर में फैट के रूप में कन्वर्ट होकर के जमा हो जाती है, उसे निकालने में यह हमारी मदद करता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहां पर लेना है वो लेना है छोटी हरड़। छोटी हरड़ जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा करती है। 90% ही देखा गया है कि जिन लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ता है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब्ड होता है, और डाइजेस्टिव सिस्टम जब अच्छा हो जाता है तो उनके शरीर के अंदर खाना बहुत तेजी से पचता है, खाने के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो शरीर को पूरी तरह से मिलते हैं, और उनके शरीर के अंदर जो वसा जमा होने की जो टेंडेंसी होती है, चर्बी जमा होने की जो टेंडेंसी होती है, वो सब कुछ खत्म हो जाती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर छोटी हरड़ का इस्तेमाल करना। छोटी हरड़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे लगभग 50 ग्राम। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हमें यहाँ पर लेना है वो है आंवला पाउडर।
आंवला पाउडर के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर विटामिन सी होता है, और ये विटामिन सी हमारे शरीर को एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज देता है। मतलब हमारा शरीर जो जवानी में था, जैसा यंग था, बिल्कुल वैसी ही प्रॉपर्टीज हमारे शरीर में क्रिएट करने लगता है। तो एज बढ़ने के साथ साथ जो हमारे शरीर में वसा जमा होने लगती है, वो टेंशन हमारी खत्म हो जाती है और धीरे धीरे हमारी बॉडी रिजुविनेट करना शुरू कर देती है। सो यहां पर हमें आंवला पाउडर लेना है लगभग 100 ग्राम। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर लेने वाले हैं वो है अलसी के बीज, मतलब फ्लैक्सीड्स। फ्लैक्सीड्स जो है वो हमें यहाँ पे 100 ग्राम लेने हैं। फ्लैक्सीड्स के अंदर होता है बहुत सारा ओमेगा 3, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9। ये हमारी बॉडी को अंदर से लुब्रिकेशन देता है, जो हमारे वजन के कम होने के साथ साथ जो हमारी स्किन में जो ड्राइनेस आ जाती है, बालों में जो रूखापन आ जाता है, वो ना हो, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लैक्सीड्स हमें बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। सो हमने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम अलिव सीड्स। उसके बाद हमने लिए थे लगभग 5 नटमेग। लगभग 50 ग्राम के आसपास हमने छोटी हरड़ ली थी। 100 ग्राम हमने लिया है आंवला पाउडर और 100 ग्राम हमने लिए हैं फ्लैक्सीड्स। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिला लीजिए और मिला करके आप इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाने के बाद में अब आप इसे बहुत धीमी आंच पर रोस्ट कीजिए, बिना घी के या बिना मक्खन के। जब इसमें से रोस्ट होने के बाद खुशबू आना शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आपका फैट कटर पाउडर बनकर के तैयार है। एंड ये पाउडर आपके शरीर में जाकर के जिद्दी से जिद्दी जो जमा हुई चर्बी है उसे निकालने में आपकी मदद करेगा। इस पाउडर को आप लेना कैसे है, तो रोज एक चम्मच आपको सुबह गर्म पानी के साथ में और एक चम्मच रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ में इसका इस्तेमाल करना है। 16 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो डेफिनेटली आप इस पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अदरवाइज आप किसी भी कंडीशन से गुजर रहे हो आप इस पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दोस्तों इस पाउडर को आप 1 महीने तक बना करके रख सकते हैं एक एयर टाइट डब्बे के अंदर। जरूर याद रखें कि डब्बा एयर टाइट हो ताकि हवा जो है इसमें से क्रॉस ना हो, ताकि इसकी जो क्वालिटी है वो 1 महीने तक अच्छे से मेंटेन होती रहे। दोस्तों अब सवाल आता है उन लोगों का जो बहुत ज़्यादा वर्किंग है, जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और जो चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा रेडीमेड मिल जाए जो कि बहुत आसानी से हमारे वजन को कम कर सके। तो एक रेडीमेड प्रोडक्ट भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, जिसका नाम है क्रिस्टल ग्लो का फैट कटर कैप्सूल। ये जो एडवांस्ड फैट कटर कैप्सूल है, ये बहुत तरह की नेचुरल जो हर्ब्स हैं उनका एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, जिसकी वजह से ये आपके शरीर के अंदर जो जमा चर्बी है उसे बहुत आसानी से आपके शरीर से निकाल देता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके शरीर के अंदर जाकर के आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देता है। सो बिना साइड इफेक्ट दिए अगर मैं बात करूँ, ये आपकी स्किन को, आपकी बॉडी को टोनिंग इफेक्ट देता है और फैट को रिड्यूस करता है। अगर मैं इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं तो इसके अंदर गार्सिनिया कंबोजिया है, ग्रीन कॉफी एंड ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं, पेपरिन है जिसकी वजह से ये आपके शरीर में पूरी तरह से एब्जॉर्ब होता है। 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, वेजिटेरियन है एंड सबसे बड़ी बात कि ग्लूटेन फ्री है। तो वो लोग जो कहीं ना कहीं पर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हमारे शरीर में थायराइड है, PCOS है, PCOD है या और भी कोई हार्मोनल इंबैलेंस है जिसकी वजह से हम वजन कम नहीं कर पा रहे हैं, सो ये एडवांस्ड फैट कटर कैप्सूल आपको मदद करता है आपके फैट को बहुत आसानी से कम करने के लिए। अगर मैं बात करूं इसकी डोजेस की, तो ये आपको रोजाना सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना होता है, वो भी ब्रेकफास्ट से लगभग 15 मिनट पहले। ये आपकी भूख को कंट्रोल करता है, आपकी जमा हुई जो चर्बी है उसे निकालता है और आपके शरीर में जमा जितना भी टॉक्सिन्स है उनको रिलीज करके आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा लाइट वेट एंड एनर्जेटिक बनाने में आपकी मदद करता है। क्रिस्टल ग्लो के इससे पहले भी मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा चुका हूँ वीडियोस के माध्यम से, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं हमारी ऑडियंस को क्रिस्टल ग्लो के प्रोडक्ट्स के साथ में। सो मेक श्योर कि ये जो एक बेहतरीन प्रोडक्ट और जो क्रिस्टल ग्लो ने लॉन्च किया है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मेक श्योर के कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा, एंड मैं 100% आपको उम्मीद देता हूँ कि ये आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स ज़रूर देगा। इसे परचेस करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड बिन कमेंट में दे दूंगा, जहां से जाकर के आप इसे इजीली ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके हमें मोटिवेशन जरूर दें। आपका प्यार आप हमें ऐसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।